हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता मौर्य अपने चैनल बिगिन विद अनीता में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको ये हेयर बैंड बनाना बता रही हूँ। ये मैंने ऊन से बनाया है, वूल यान से। आप चाहे तो इसे कॉटन यान से या कॉटन मर्सराइज्ड यान से भी बना सकते हैं। इसको बनाने का बहुत ही सिंपल तरीका है, तो चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। फिर अब इस हेयर बैंड के लिए सबसे पहले हम धागा ले लेंगे। ये मैं ऊन से बना रही हूँ, वूल यान से। आप चाहें तो इसे कॉटन के इस तरह के मर्सराइज कॉटन मर्सराइज धागे से भी बना सकते हैं। मैं फिलहाल वूल यान से बना रही हूँ। सबसे पहले हम इस तरीके से लूप बनाएंगे, फर्स्ट चेन। हम टोटल 140 चेन्स बना लेंगे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। चेन कुछ इस तरह से दिखाई देगी। हम टोटल 140 चेन्स बना लेंगे। मैंने 140 चेन्स बना ली हैं, कुछ इस तरह से दिखाई देगा चेन। 140 चेन बनाने के बाद हम बेसिकली इस तरह की टेप बना रहे हैं। चेन तो हमने बना ली है, अब चेन पे हम क्रोशेट बनाएंगे, डबल क्रोशेट यान लेंगे और थर्ड चेन में 1, 2, 3 इस थर्ड चेन में इस तरीके को हुक को डालते हुए यान पुल करेंगे। पहले दो लूप में से निकालेंगे, फिर लास्ट के दो लूप में से निकालेंगे। इसको डबल क्रोशेट बोलते हैं। अब नेक्स्ट चेन में हुक को डालेंगे, यान पुल करेंगे पहले दो में से, फिर लास्ट के दो में से। इसको बोलते हैं डबल क्रोशेट। इस तरीके से हम आगे की हर चेन में डबल क्रोशेट बनाते जाएंगे। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा बनने के बाद। इस तरीके से हम इस पूरे चेन में डबल क्रोशेट बनाते जाएंगे। मैंने ये टेप कंप्लीट कर ली है डबल क्रोशेट बना के। धागा कट कर लेती हूँ। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को बांध लेते हैं। इस तरीके की हम टोटल 4 टेप्स बना लेंगे। टोटल 4 टेप्स बना लेंगे। ये मैंने पहले से तैयार करके रखी हैं। हम पहले 2 टेप को लेंगे, इस तरीके से इनको पहले हम थोड़ा सा स्ट्रेट कर लेते हैं खींच के, ये ट्विस्ट हो रही हैं। हम इन दोनों टेप को ऐसे एक के ऊपर एक रख के जोड़ेंगे। ये इस तरीके से दोनों को एक साथ लेके
यहाँ पे दोनों टेप्स को पकड़ते हुए डबल क्रोशेट बनाएंगे। देखिए दोनों टेप जुड़ गई हैं। इसी सेम तरीके से हम अपनी जो बाकी की दो टेप्स हैं उनको ले लेंगे। पहले एक को लेती हूँ, फिर ये दूसरी को, ये दोनों को ले लिया मैंने एक साथ। धागा पीछे रखना था, इस तरीके से दोनों को लेके पहले मैं धागा लूंगी, फिर दोनों टेप के एंड्स पे हुक से यार्न पुल करूंगी और डबल क्रोशेट बनाऊंगी। इस तरीके से दोनों को, इन चारों को मैंने एक तरह से जोड़ दिया है। टोटल मैं 6 डबल क्रोशेट बना रही हूं। तीन इस पे बनाए हैं, तीन इस पे बनाए हैं। चेन 3 टर्न करूंगी, फिर से क्रोशेट बनाऊंगी डबल क्रोशेट। ये जो टेप मैं बना रही हूँ ये मैं यहाँ पे रबर बैंड या इलास्टिक जो भी आप यूज़ करना चाहें उसको अटैच करने के लिए बना रही हूँ ये टेप। ये जो पार्ट बना रही हूँ मैं, इस तरीके से बनाने के बाद ये इस तरीके से यहाँ पे हम रबर बैंड लगा के रबर बैंड लगाएंगे यहाँ पे ये वाला और ऐसे मोड़ेंगे। फिलहाल तो मैं इसको, अब हम इसको कट कर लेते हैं धागे को। हमारी टेप कंप्लीट हो गई है। टेप कंप्लीट होने के बाद अब हम इन्हें हेयरबैंड का रूप देंगे, अपने टेप्स को ट्विस्ट करेंगे। जो ऊपर वाली टेप्स हैं उनको सेंटर में करेंगे और नीचे वाली को दोनों को साइड कर देंगे इस तरीके से, और इन दोनों को आपस में ट्विस्ट करेंगे। फिर इसको ऊपर, इसको इसके ऊपर, देखिए मैं ट्विस्ट कैसे कर रही हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। पहले मैंने नीचे वाली टेप्स को दोनों को साइड किया और फिर सेंटर वाली दोनों टेप्स को जो ऊपर हैं, ऊपर वाली टेप्स को दोनों को इस तरीके से ट्विस्ट किया है एक के ऊपर एक। फिर उसके बाद जो टेप नीचे से आ रही है उसको ऊपर करेंगे, जैसे ये नीचे से आ रही है तो इसको ऊपर करेंगे इस तरीके से, और अब जो नीचे से आ रही है ये, इसको इसके ऊपर करेंगे, और अब ये ऊपर से आई है तो अब ये इसके नीचे से जाएगी। मतलब हर बार जो नीचे से टेप आ रही है वो ऊपर चली जाएगी और जो ऊपर से आ रही है वो नीचे चली जाएगी। जैसे ये ऊपर से आ रही है तो अब की बार ये टेप नीचे से जाएगी, और ये ऊपर से आ रही है तो ये इसकी नीचे से जाएगी। बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो आपको ट्विस्ट कैसे करना है इन चारों टेप्स को वो आप समझ जाएंगे। फिर से देखिए मैं कैसे कर रही हूँ।
इस तरीके से बनाते हुए इन टेप्स को ट्विस्ट करते हुए हम इस हेयर बैंड को इस हेयर बैंड के लुक को कंप्लीट करेंगे। एंडिंग पे आने पर मतलब पूरी टेप को ट्विस्ट करने के बाद इस तरीके से हम टेप्स को दो दो टेप्स को इस तरीके से पकड़ेंगे और जैसे हमने स्टार्टिंग में बांधा था टाई किया था दोनों को दो दो टेप्स को उसको हम टाई करेंगे। पहले हम इन दो टेप्स को ले लेते हैं एक के ऊपर एक रख के ऐसे यार्न पुल करेंगे चेन थ्री बनाएंगे और फिर डबल क्रोशेट अब बाकी के दोनों को भी पकड़ के हम डबल क्रोशेट बनाएंगे टोटल 6 डबल क्रोशेट जैसे कि हमने लास्ट टाइम बनाया था। यार्न कट कर लेते हैं एक्स्ट्रा धागों को कट कर लेंगे। दोनों साइड हमने टेप बना ली है अब हम इस पे ये बैंड रबर बैंड अटैच करेंगे। ये रॉन्ग साइड है ऐसे करके इसको यहाँ पे हम सिल लेंगे सीव कर लेंगे। आप चाहें तो इसे क्रोशिए से भी कर सकते हैं मैं निडल से कर रही हूँ। ये अटैच हो गया। इसी सेम तरीके से हम दूसरी साइड भी इस साइड भी अटैच कर लेंगे इसको इस साइड भी इसको इस तरीके से पकड़ के अटैच कर लेंगे।
देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों साइड से अटैच कर दिया है इस रबर बैंड को। हमारा हेयर बैंड रेडी है। पिछले वीडियो में मैंने आपको 3 टेप से बनाना सिखाया था हेयर बैंड को, इस बार मैंने आपको 4 टेप से सिखाया है। आप चाहें तो इसे 2 कलर में भी बना सकते हैं या 4 कलर में भी बना सकते हैं। 2 कलर में कैसे? आप 2 टेप को अलग कलर से बनाइए और 2 टेप को अलग कलर से बनाइए। जब ट्विस्ट करना हो तो 2 कलर की टेप को ऊपर रखिए, 2 सेम कलर की टेप को, और 2 सेम कलर की टेप को नीचे रखिए, तब आप ट्विस्ट करिए, बहुत अच्छा पैटर्न आएगा बनके। और आप चारों टेप को अलग अलग कलर से बना के भी बना सकते हैं, बहुत ही कलरफुल हेयरबैंड बनेगा तब वो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें, बेल आइकन क्लिक करके मेरे सभी नए वीडियो जरूर देखें। थैंक यू।